बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि सर आप माइंड के ऊपर जो बातचीत करते हैं कि माइंड से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एंजाइटी होती है, पैनिक होती है, ओवर थिंकिंग होता है, नेगेटिव थिंकिंग होता है, अगर हम इन सब चीजों को सही करना चाहते हैं, अगर हम इन सब चीजों को नॉर्मल करना चाहते हैं, तो वो नॉर्मलिटी हम तभी कर पा सकते हैं जब हमारी माइंड के प्रति समझ जो है वो बहुत अच्छी हो, बहुत ही बेहतरीन हो। हम इस चीज को बहुत अच्छे समझ पाए कि माइंड बेसिकली क्या होता है। जितना हम माइंड को समझते हैं उतना ही बेहतर हम माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे हम कोई भी मशीन जो है वो हम मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, कोई भी गाड़ी जो है हम मिस्त्री के पास में लेके जाते हैं, तो मिस्त्री जो है ना वो उसकी गाड़ी की मशीन की जो समस्या है उसको आसानी से क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है, उसको आसानी से ठीक कर देता है। वो क्यों ठीक कर देता है? क्योंकि मिस्त्री को मशीन की बहुत ही गहरी समझ होती है, वो गाड़ी को बहुत बेहतर तरीके से समझता है। जो मशीन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझता है वो मशीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर देता है, सही कर देता है। वो जो मशीन के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को पहचानने की जो नजर है वो किसके पास में होती है, मिस्त्री के पास में होती है। और जिसके पास में समस्या को पहचानने की नजर होती है वही उसका क्या निकाल सकता है, समाधान निकाल सकता है, उसका तोड़ निकाल सकता है। वही सेम चीज हमारे माइंड के साथ में है कि जो माइंड की बहुत ही गहरी समझ रखता है, मन को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता है, समझता है, वही माइंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब प्रॉब्लम्स को क्या कर पाता है, सॉल्व कर पाता है। तो आज हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, पूरा साइंटिफिक जो प्रोसेस है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि बेसिकली माइंड होता क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है या कोई भी बच्चा जब पैदा होता है या हम भी जब पैदा हुए थे तो हम जो थे वो नो माइंड वाली अवस्था में थे। अच्छा, ये नो माइंड वाली अवस्था मैंने क्यों बोली, हमारे अंदर कुछ बेसिक रिफ्लेक्सेस थे, खाने पीने सोने के अलावा हमारे अंदर और किसी भी प्रकार का, जिसको हम सोशल माइंड बोलते हैं, जो सही गलत के अंदर भेद करता है, जो पाप पुण्य के अंदर भेद करता है, जो स्वर्ग नरक के अंदर भेद करता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर भेद करता है, ये जो समझ वाला हमारे अंदर माइंड नहीं होता। जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है, जब भी कोई भी इस संसार में आया है, उस दरमियान उसके अंदर ये जो सही गलत जिसको हम सामाजिक एक माइंड बोलते हैं वो माइंड हमारे अंदर नहीं होता। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो नो माइंड वाली अवस्था के साथ में हम पैदा होते हैं। अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर माइंड जो है वो डेवलप हो रहा होता है। और ये माइंड के डेवलप होने का जो प्रोसेस है ये चलता रहता है टिल द एंड ऑफ अवर लाइफ। जब तक हम जीवन के अंतिम सांस नहीं ले लेते तब तक हमारे अंदर माइंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है। तो जब हम पैदा हुए उससे पहले हम थे नो माइंड की अवस्था में, और जब हम खत्म हो जाएंगे, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद भी हमारी कौन सी अवस्था आ जाएगी, नो माइंड की अवस्था आ जाएगी। मतलब ये जो बीच का जो जीवन है इसी में क्या है, हमारा माइंड है। मतलब हम प्राकृतिक तौर पर किसी भी प्रकार का कोई माइंड लेकर नहीं आए। ये जो माइंड है ये पूरी जो हमारी आसपास की जो दुनिया है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से हमारे दिमाग के अंदर क्या हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। जैसे आप मोबाइल के अंदर कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो जो ऐप है वो कहां पर पड़ा रहता है, प्ले स्टोर पर पड़ा रहता है। तो उस प्ले स्टोर से आप कोई सा भी ऐप जो है आप अपने यूज के अकॉर्डिंग उस प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अपने मोबाइल के अंदर कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपका यूज है, जिस भी तरह से आप उसको यूज करना चाहते हो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उसी प्रकार से हमारे दिमाग का जो प्ले स्टोर है, जहां से हम माइंड इंस्टॉल करते हैं, वो प्ले स्टोर कौन सा है, ये हमारे आसपास का एनवायरमेंट। तो हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है बेसिकली वो हमारे दिमाग के लिए क्या है, प्ले स्टोर का काम करता है।
अच्छा, प्ले स्टोर का मतलब क्या है कि ये जो एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट है इंफॉर्मेशन का सोर्स। आपका जो सोशल एनवायरमेंट है वहां से आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन गई है। आप देखिए कि जो एक कम्युनिटी होती है उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो एक समान प्रकार का व्यवहार रखते हैं, समान प्रकार की उनकी पर्सनालिटीज होती है, समान प्रकार के उनके कपड़े पहनने का तरीका होता है, समान प्रकार का उनके बोलने का तरीका होता है, समान प्रकार के उनके रिचुअल्स होते हैं। वो सोसाइटी उनके दिमाग के अंदर क्या करती है, जो सोशल रिचुअल से रिलेटेड एक माइंड उनके अंदर क्या करती है, डेवलप करती है। हमारे आसपास हमारा जो एजुकेशनल एनवायरमेंट है वो भी हमारे अंदर क्या करता है, एक माइंड पैदा करता है। हमारा जो फैमिली एनवायरमेंट है, हमारा जो ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट है, ये जितना भी एनवायरमेंट है बेसिकली ये क्या है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स है। हमारे आसपास के एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, हमारे दिमाग के अंदर जाती रहती है। अब ये जो दिमाग के अंदर जाने वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में सीधी तो नहीं चली जाती। जैसे आप कहीं पर भी घर में जाते हो तो क्या आप घर में कहीं से भी एंटर हो जाते हो, कहीं से एंटर होने वाला सिस्टम तो नहीं है। आप किसी भी घर में एंटर होते हो, किसी भी संस्था में एंटर होते हो, तो एंटर होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, दरवाजे की जरूरत पड़ती है। तो दिमाग के अंदर भी ये जितनी भी आपके सराउंडिंग से जो इंफॉर्मेशन जा रही है, जो हमारे आसपास के पूरा जो अस्तित्व रूपी ये जो प्ले स्टोर है, इस प्ले स्टोर से जो हमारे दिमाग के अंदर जो माइंड रूपी जो ऐप इंस्टॉल हो रहा है, उसके इंस्टॉल होने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, दरवाजों की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती है जो आपके भीतर माइंड का फॉर्मेशन करती है, वो इंफॉर्मेशन पांच दरवाजों से हमारे दिमाग के अंदर जाती है। ये पांच दरवाजे कौन से हैं? सबसे पहला जो दरवाजा है वो कौन सा है, वो है हमारी आंखें। इस पूरे अस्तित्व की जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअसली कहां जा रही है, हमारी आंखों के थ्रू हमारे दिमाग के अंदर जा रही है। हम अपने शहर में रहते हैं, अपने घर के अंदर रहते हैं, हम देखते ही पहचान लेते हैं, अच्छा ये मेरा घर है। क्यों पहचान लेते हैं? क्योंकि उसको पहचानने का जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से हमारे दिमाग के अंदर क्या है, इंस्टॉल्ड है, वो हमारे दिमाग के अंदर है। अगर हमारे दिमाग के अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम किसी भी जगह को पहचान नहीं सकते। आप कहीं पर भी जाते हो, आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो, अच्छा ये मेरे परिवार का है, ये रिलेटिव्स है, ये मेरे साथ में पड़ा हुआ है, ये क्यों कर पाते हो? क्यों? क्योंकि उन सब की विजुअल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे दिमाग के अंदर है, उनका सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इस कारण से हम उनको क्या कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो सबसे पहला दरवाजा कौन सा, हमारी आंखें। दूसरा जो दरवाजा है जहां से इंफॉर्मेशन जाती है वो है हमारे कान। पूरे अस्तित्व की जितनी भी आवाजें हैं वो सारी की सारी कहां गई हुई है, हमारे दिमाग के अंदर गई हुई है। तो हम किसी भी दूसरी आवाज को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये तो उसकी आवाज है। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आपके दिमाग के अंदर है, पहले से इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर गई हुई है, इसलिए आप पहचान पाते हो, अच्छा ये कौन सा सिंगर है जो गा रहा है, ये मेरे घर का कौन सा मेंबर है जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, ये कौन है, उसको आप क्या कर सकते हो, पहचान पाते हो। जो भी सराउंडिंग की जितनी भी आवाज आ रही है उस आवाज को आप कैसे पहचान पाते हो, क्योंकि उसका ऑलरेडी हमारे दिमाग में पहले से सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तीसरा जो दरवाजा है वो है हमारा नाक। जितनी भी तरह की सुगंध जो है वो नाक के थ्रू हमारे दिमाग में गई हुई है। चौथा जो दरवाजा है वो हमारी जीभ। हम आंखें अगर हमारी बंद हो फिर भी आपके जीभ के ऊपर अगर नींबू का रस डाला जाए तो आप पहचान लेते हो कि अच्छा ये नींबू का रस है। क्यों पहचान लेते हो? क्योंकि पहले से उसकी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर गई हुई है। पांचवा जो दरवाजा है वो है हमारी चमड़ी। जितनी भी प्रकार का जो टेम्परेचर है, जितना भी प्रकार का जो प्रेशर है, उन सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में कहां से जाती है, हमारी चमड़ी के थ्रू जाती है। तो इन पांच दरवाजों से हमारे ब्रेन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे माइंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है तो दिमाग में ये कहां जाती है, हमारे दिमाग के अंदर खूब सारे जो न्यूरॉन्स है ऐसे ही बिखरे हुए पड़े रहते हैं। जैसे आप एक थाली के अंदर खूब सारे मोती बिखरे हुए पड़े हैं, तो कोई भी एक धागा क्या करता है कि वो इन मोतियों से होते हुए बहुत सारे मोतियों को आपस में कनेक्ट करके वो किसका रूप बना देता है,
एक माला का रूप बना देता है, उसी तरह से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है, ये इंफॉर्मेशन क्या करती है कि अलग अलग जो न्यूरॉन्स है उन न्यूरॉन्स को आपस में जोड़कर एक पैटर्न, एक नक्शा, एक माला बना देती है न्यूरॉन्स की। वो जो माला है उस माला को हम बोलते हैं न्यूरल पैटर्न। ये जो न्यूरल पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गई है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, उसके अंदर जमा हो जाती है। अब अगर इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली 2-3 दिन तक जाती है तो हमारे दिमाग के अंदर कोई भी न्यूरल पैटर्न जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अगर ये इंफॉर्मेशन 2-3 सप्ताह तक कंटिन्यू चली जाए तो ये जो न्यूरल पैटर्न है वो स्टेबल होने लग जाता है, मजबूत होने लग जाता है, स्ट्रांग होने लग जाता है। और 4 से 6 महीने के अंदर अगर कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो स्टेबल होके उसका हमारे अंदर क्या बन जाती है, एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है, एक आदत बन जाती है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली जा रही है तो वो इंफॉर्मेशन क्या बनाती है, न्यूरल पैटर्न बनाती है। और जो न्यूरल पैटर्न हमारे दिमाग के अंदर बनते हैं उनके अंदर अगर वो कंटिन्यूअसली 4-6 महीने के लिए जा रही है तो उसकी हमारे अंदर क्या बन जाती है, एक आदत बन जाती है। ये जो आदत होती है ना, ये माइंड की एक छोटी सी यूनिट है। ये जो न्यूरल पैटर्न बना हुआ है ना, ये एक छोटा सा यूनिट है। किसका, हमारे माइंड का छोटा सा यूनिट है। जैसे आपकी कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग की छोटी सी यूनिट कौन सी, ईंट है। तो ये जो न्यूरल पैटर्न है ये हमारे माइंड की छोटी यूनिट है। जो आपकी आदत बनी, जो आपकी हैबिट बनी, वो छोटी सी क्या है, यूनिट है, ईंट है। अब जैसे बहुत सारी ईंटों से मिलकर क्या बनता है, हमारा पूरा घर बनता है, पूरी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही बहुत सारे जो न्यूरल पैटर्न है उन न्यूरल पैटर्न से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, माइंड बनता है। क्योंकि एक जो न्यूरल पैटर्न है उसके अंदर एक आदत स्टोर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे जो न्यूरल पैटर्न है उनके अंदर क्या, खूब सारी आदतें स्टोर्ड है। आप बचपन से लेकर अब तक जो बड़े हुए हो, आपको हर दिन बहुत सारी चीजें सिखाई गई है कि आपको किस तरह से चलना है, आपको किस तरह से बोलना है, आपको किस तरह से कपड़े पहनना है, बड़ों के साथ में किस तरह से व्यवहार करना है, छोटों के साथ में किस तरह से व्यवहार करना है, कोई हंस रहा है तो उसका क्या मतलब निकालना है, कोई रो रहा है तो उसका क्या मतलब निकालना है, किसी की मदद करनी है नहीं करनी है, दान देना है नहीं देना है। इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर क्या है, स्टोर्ड है। ये कहां से आई है, ये हमारे एनवायरमेंट से आई है। हम आज अगर कहें कि नहीं मेरे को इस तरह से कपड़े पहनना अच्छा लगता है, ये अच्छा आपको आज लग रहा है क्यों, क्योंकि अब आपकी ये क्या बन चुकी है, आदत बन चुकी है। लेकिन शुरुआत में ये आपको सिखाया गया था कि नहीं कपड़े इस तरह से पहनना होता है, टाई इस तरह से बांधना होना है, कैप इस तरह से पहनना है, कपड़े पैंट शर्ट इस तरह से पहनना है। ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो इन सब के हमारे अंदर क्या बनते हैं, न्यूरल पैटर्न्स। और जब न्यूरल पैटर्न आपका स्टेबल हो जाता है, जब हमारा न्यूरल पैटर्न स्टेबल हो जाता है तो उसकी हमारे अंदर आदत बन जाती है। और बहुत सारी आदतें जो मिलकर क्या बनाती है, हमारी पर्सनालिटी बनाती है। बहुत सारी आदतें मिलकर हमारी पर्सनालिटी बनाती है। यही जो पर्सनालिटी है इसी को आप क्या बोलते हो, माइंड बोलते हो। तो जो माइंड है वो कहां से बन रहा है, माइंड की जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो है आपकी आदतें, हैबिट। और हैबिट्स कहां पे स्टोर्ड है, आपके न्यूरल पैटर्न्स के अंदर। ये न्यूरल पैटर्न्स कहां से बने हैं, आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो इंफॉर्मेशन कहां से जा रही है, आपके सराउंडिंग से, आपके आसपास का जो भी अस्तित्व। यहां पर एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे समझने का है कि दिमाग में क्या सारी इंफॉर्मेशन ऐसी चली जाती, नहीं, दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं जाती। हम जैसे आप कहीं पर भी किसी भी घर में या किसी भी फंक्शन में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपके पास में कार्ड होता है, आप उस कार्ड को लेके जाते हो तो वहां पे एक चौकीदार बैठा होता है जो चेक करता है कि आपके पास में अंदर जाने की परमिशन है या नहीं। अगर आपके पास में परमिशन है, आप उसको कार्ड दिखाते तो वो कहां कर देता आपको, अंदर जाने देता है। अगर आपके पास में परमिशन नहीं है तो फिर वो आपको अंदर नहीं जाने देता। यही सेम चीज इन इंफॉर्मेशन के साथ में भी होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में तब जाती है जब वो आपके माइंड फिल्टर से गुजरती है। अगर वो इस माइंड फिल्टर से गुजरती है तो वो आपके दिमाग के अंदर चली जाती है, न्यूरल पैटर्न बना देती है। लेकिन अगर माइंड फिल्टर उसको रिजेक्ट कर देता है तो वो अंदर नहीं जा पाती। अच्छा, फिल्टर किसको अलाउ करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको सही लग रही है
कि हाँ ये बात एकदम क्या है, सही है, सही है, तो वो किसमें जाती है, आपके दिमाग के अंदर जाती है। वो चाहे किसी की बोली हुई बात हो, चाहे वो पास्ट की बात हो, चाहे वो फ्यूचर की बात हो, अगर आप उस बात को सही बोलते हो कि नहीं यार ये सही है, तो सही चीज जो होती है वो कहां चली जाती है, आपके दिमाग के अंदर जाती है। वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो वास्तव में सही है या वास्तव में गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको इस वे में एनालाइज किया कि नहीं दिस इज राइट, जैसे ही आप उसको सही बोलते हो, सही बोलते ही वो किसमें चली जाती है, आपके दिमाग में जाती है, और उसका क्या बन जाता है, न्यूरल पैटर्न बन जाता है। और बहुत सारे न्यूरल पैटर्न मिलकर क्या बना देते हैं, माइंड बना देते हैं। तो माइंड का बनना किस पे डिपेंड करता है, माइंड का बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन डालते हो। अगर आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालते हो तो आपका माइंड कैसा बनेगा, पॉजिटिव माइंड बनेगा। अगर आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन डालते हो तो आपका माइंड कैसा बनेगा, नेगेटिव माइंड बनेगा। अब जैसा आपका माइंड बनता है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल है, उस मटेरियल के आधार पर ही जो इंफॉर्मेशन आ रही है, आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, जज करते हो, इसको मेरे दिमाग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर यहां पर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो कोई भी नई इंफॉर्मेशन जो आएगी, चांसेस है कि आपके दिमाग जो है वो उस इंफॉर्मेशन के अंदर जो भी पॉजिटिव एलिमेंट है उसको ज्यादा अच्छे से पहचाने। आपका दिमाग किस तरह का बना हुआ है, आपका माइंड किस तरह का बना हुआ है, ऑलरेडी किस तरह की इंफॉर्मेशन गई हुई है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी सराउंडिंग को क्या करते हो, पहचानते हो। मेरे दिमाग के अंदर हिंदी गई हुई है तो मैं अपने आसपास हिंदी से रिलेटेड सारी चीजों को क्या कर लूंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा। मेरे दिमाग में इंग्लिश गया हुआ है तो मेरा माइंड अगर अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में मेरे आसपास जो भी लिखा होगा उन सबको मैं क्या कर लूंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा। मेरे दिमाग के अंदर अगर तमिल का माइंड गया हुआ है तो कहीं पर भी तमिल से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसको क्या करता हूं, आइडेंटिफाई करता हूं। हम आइडेंटिफाई उसी चीज को कर पाते हैं जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर पहले से गई हुई है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं मेरे आसपास तो सब नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव बेसिकली क्या है, हमारा जो न्यूरल पैटर्न जो दिमाग के अंदर बना हुआ है वो क्या है, नेगेटिव बना हुआ है। इसलिए आप सिर्फ क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, नेगेटिव आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप पॉजिटिव आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर पॉजिटिव का न्यूरल पैटर्न है ही नहीं। भाई अगर हिंदी का न्यूरल पैटर्न है तो हिंदी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप अंग्रेजी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर मैं अंग्रेजी आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो मुझे मेरे दिमाग के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, अंग्रेजी का न्यूरल पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपने माइंड को पॉजिटिव करना चाहता हूं तो मुझे मेरे दिमाग के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला माइंड जो है, पॉजिटिव वाला न्यूरल पैटर्न जो है वो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव वाला न्यूरल पैटर्न अगर बन जाए तो मुझे मेरे आसपास के अस्तित्व में जितनी भी चीजें हो रही है उन सब में मुझे क्या नजर आएगा, पॉजिटिव ही तो नजर आएगा। और अगर मेरा नेगेटिव का माइंडसेट है तो आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मुझे क्या दिखाई देगा, नेगेटिव ही दिखाई देगा। अच्छा, कोई सामने हंस रहा है, मेरे दिमाग में ये गया हुआ है, पैटर्न ये बना हुआ है कि हंसने का मतलब ये होता है कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, ये पैटर्न बना हुआ है। तो जैसे ही मैं किसी को हंसता हुआ देखूंगा, हंसने की इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में आई, आंखों के थ्रू दिमाग में आ रही है, अच्छा मुझे यहां पर क्या इसको अप्रूवल देगा, हंस रहा, हंसने का मतलब तो होता मजाक करना, अच्छा इसका मतलब ये मेरा मजाक उड़ा रहा। ऑटोमेटिकली उसकी हंसी से हमें क्या लगने लग जाएगा, खराब महसूस होने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली हम वहां पर लो फील करने लग जाएंगे। मेरे दिमाग में गया हुआ कि धड़कन बढ़ने का मतलब हार्ट अटैक है, ये दिमाग में गया हुआ है। तो अगर मैं किसी दिन एक्सरसाइज कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं और मेरी धड़कन बढ़ गया, अच्छा दिमाग में इंफॉर्मेशन आ रहा है हार्ट के थ्रू कि धड़कन बढ़ रहा है, तो यहां पर पैटर्न बना हुआ है कि धड़कन का बढ़ना हार्ट अटैक, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक ये कंक्लूजन बन जाएगा अपने को तो हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आ गया तो उसका जो भी इमोशंस, उसका जो भी फियर है वो हमें फील होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पैटर्न वही बना हुआ है। अगर पैटर्न ये बना हुआ है कि नहीं एक्सरसाइज जब आप करते हो तो उस एक्सरसाइज के दरमियान आपकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ सकती है और बढ़ती भी है, तो यहां पर एक रेफरेंस, अगर धड़कन बढ़ रही है तो उसका रेफरेंस यहां पे क्या मिलेगा, अच्छा धड़कन बढ़ रही है, धड़कन तो तब बढ़ती है जब एक्सरसाइज करते हो, तो यहां पे आपका मन, अच्छा मैंने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज के अंदर मेरी धड़कन बढ़ी, तो आपका मन यहां पर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो आपका न्यूरल पैटर्न कैसा बना हुआ है, आपका
माइंड कैसा बना हुआ है उसी आधार पर आप अपने आसपास क्या करते हो, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई करते हो। अगर आपको सब जगह नेगेटिविटी दिख रही है, इसका मतलब आपका जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बना हुआ, आपका माइंड क्या बना हुआ है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ में हो। और अगर आपको अपने आसपास के अस्तित्व में सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसका मतलब आपका माइंड क्या है, पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले हो, आपके अंदर जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए वो पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए। तो यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या सर ये जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स है, इन नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। इसी को ही न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं कि एक पैटर्न जो है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, दूसरे पैटर्न में कन्वर्ट हो सकता है। एक जो नेगेटिव माइंड है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, पॉजिटिव माइंड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसी को अपन न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, ब्रेन के अंदर बने हुए पैटर्न्स स्टेबल नहीं है, उनको चेंज किया जा सकता है अगर चेंज करने की दिशा में कार्य किया जाए। अब ये चेंज करने वाली दिशा कौन सी है, ये दिशा है सीबीटी का प्रैक्टिस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास। तो आपके दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है तो आप उसमें सीबीटी का प्रैक्टिस कैसे करते हो, आप जो भी इंफॉर्मेशन जाती है आप अगर उस इंफॉर्मेशन का रियलिटी टेस्टिंग करना शुरू कर देते हो कि ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है, ये इंफॉर्मेशन अगर सही है तो प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। मेरा धड़कन बड़ा, अंदर से थॉट आता है कि अच्छा धड़कन बढ़ने का मतलब हार्ट अटैक, अच्छा ये हार्ट अटैक है इसका प्रूफ क्या है, आज तक जितने भी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हुए तो सारे नॉर्मल आए हैं। अच्छा क्या धड़कन का बढ़ना एक्सरसाइज में हो सकता है, हाँ एक्सरसाइज में हो सकता है, इसका मतलब ये जो धड़कन का बढ़ना ये हार्ट अटैक वाला नहीं, ये कौन सा, एक्सरसाइज वाला। आपको ये रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन सीबीटी की प्रैक्टिस से क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा। जितना आप अपने दिमाग में रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन डालोगे उतना ही आपके ब्रेन के अंदर रियलिस्टिक न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे, रियलिस्टिक हैबिट्स बनेगी, और इन रियलिस्टिक हैबिट्स का कलेक्शन आपका रियलिस्टिक माइंड बनेगा, जो सच्चाई को क्या करता हो, पहचानता हो। जो सच को पहचानते हो वैसा आपका माइंड बनेगा, मतलब जो सच को देख सकता हो वैसा आपका माइंड बनेगा, जो सच को सुन सकता हो, जितनी भी पूरे अस्तित्व से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उनमें से रियल इंफॉर्मेशन कौन सी है उसको पहचानने वाला कान हमारे अंदर पैदा होता है, वो भी किसकी मदद से, सीबीटी की मदद से। और ये सारा किस होता है, अभ्यास से होता है। मैं कई बार ये जैसे मैं गाना सुनता था रियलिटी शोज के ऊपर, तो मुझे तो हर गाना ऐसा लगता है कि अच्छा सब लोग बहुत बढ़िया गा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो एक्सपर्ट होता है वो कहता है कि नहीं आपने तीसरे सुर में गड़बड़ की, आपने पांचवें सुर में गड़बड़ की। मैं तो यूं सोच रहा होता हूं गड़बड़ कहां की, बहुत प्यारा गाया, लेकिन मेरे पास में वो कान नहीं है जो उस गड़बड़ को क्या कर ले, पहचान ले। वो कान किसके पास में, वो कान एक्सपर्ट के पास में है, वो पहचान लेता है कि कौन सा सुर हल्का लगा, कौन सा सुर सही नहीं लगा, कौन सा सुर गलत जगह पे लग गया, वो पहचान सकता है। वो पहचान कहां से आई, वो पहचान आई अभ्यास से। तो ये विचारों के अंदर भी कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार रियलिस्टिक है, कौन सा विचार काल्पनिक है, इमेजिनरी है, इसका मेरे करंट जीवन से रिलेटेड है या नहीं है, मैं किसी की बात को अपने ऊपर जनरलाइज कर रहा हूं, मैं माइंड रीड कर रहा हूं, इन सब के प्रति इनको पहचानने की जो नजर है, इनको पहचानने का जो कान है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीबीटी का रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो कि हमारे अंदर एक नेगेटिव माइंडसेट से क्या डेवलप करता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करता है। तो अगर हम हमारे दिमाग में जाने वाली इंफॉर्मेशन को चेक करना शुरू कर देते हैं, वैलिडेट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे दिमाग में रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन जाती है, रियलिस्टिक न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं, रियलिस्टिक हैबिट्स बनती है, और रियलिस्टिक हमारा माइंड बनता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है उसके लिए हमें किसका प्रैक्टिस करना है, सीबीटी का प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो माइंड रिलेटेड जो हमारी समझ है उसको हम और गहरा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम हमारी एंजाइटी पैनिक नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग इन सबको खत्म कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का फंडामेंटल ट्रेनिंग वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।